नगर निगम की तरफ से सभी दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है कि आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन संपूर्ण रूप से बैन करें। नगर निगम की तरफ से संपूर्णतः बंद करेगी, उसको 1,00,000 रूपये का इनाम नगर निगम की तरफ से दिया जाएगा। आप सभी दुकानदार भाई ध्यान दें, किस करेगी उसको 1,00,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। तो आप सभी अपनी मार्केट में मिलकर ये प्रयास करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज हो और जो दूसरे बैग होते हैं उसका कोई प्रबंध कीजिए ताकि लोगों को उसके लिए प्रति अवेयर किया जा सके। जैसे कपड़े के बैग आप यूज कर सकते हैं, अपनी मार्केट में इस तरह कोई स्लोगन लगाएं कि इस मार्केट में पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक। सभी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए एक स्कीम आई है, जो भी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन अपने एरिया में प्लास्टिक को संपूर्ण रूप से बैन करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको निगम की तरफ से 1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। आप सभी दुकानदार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस चीज में पार्टिसिपेट जरूर करें। चंडीगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हमारे माननीय कमिश्नर साहब और माननीय महापौर जी ने आदेश किए हैं कि जो हमारे आप कोई इवेंट लगा दीजिएगा वो देगा बैग, वो बैग लेके ही वो मार्केट में सामान परचेज करेंगे और कोई भी दुकानदार प्लास्टिक के बैग में सामान नहीं देगा। रविंदर ठाकुर की कहना चाहोगे सर, स्कीम किस तरह देखते हो? स्कीम सर असी तो पिछले दविंदर जी साडे नाल इत्थे इंस्पैक्टर साडे एरिया इंस्पैक्टर हैगे है, ये बार बार आंदे है अवेयर करदे है और 90% तो साडी मार्केट दे विच मतलब असी क्या होया कि जिहड़ा प्लास्टिक नहीं यूज करना हैगा और उन्हें असी फॉलो भी कर रहे हैं। अज जिहड़ी नवी अनाउंसमेंट आई है उहदे च हुण मेयर साहब ने तां कमिश्नर ने कहा है कि 1,00,000 रूपये का इनाम दिता जाएगा। असी कोशिश करांगे कि असी इत्थे ज्यादा तो ज्यादा कपड़े का बैग इस्तेमाल करवाईए। थोड़ा किस चीज का काम है? मेरा वाटर प्यूरीफायर का काम है। ठीक है तो सर, सुन ये नगर निगम नई स्कीम लेके आया है, इसके बारे में थोड़ा पब्लिक को अवेयरनेस करें और थोड़ा समझाए जी। जो हमारे माननीय कमिश्नर मैडम हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी मार्केट सिंगल यूज प्लास्टिक और पोलोथीन संपूर्ण रूप से बैन करेगी उसको 1,00,000 रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उसी के मद्देनजर आज हम MSC की मार्केट में आए हैं। यहाँ पे हमने लोगों को अनाउंसमेंट के थ्रू बताया है कि भाई इस तरह की एक घोषणा हुई है तो आप लोग इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए कि जो कपड़े के बने हुए बैग हैं उनका प्रयोग करें और पॉलिथीन का बैन संपूर्ण बैन करें कि कोई भी दुकानदार भाई पॉलिथीन के बैग में सामान ना दे और जो कपड़े के लिफाफे लेके आएंगे उन्हीं में सामान दे। अगर सर कोई पॉलिथीन में मतलब दुकानदार तो दे ही रहे हैं पॉलिथीन तो उन पर क्या कार्रवाई है? अभी हमारे अवेयरनेस कैंप चल रहा है, 3-4 दिन हम अवेयर करेंगे, उसके बाद चलान की कार्रवाई रहेगी। जो भी इसमें गड़बड़ करेगा उसका चलान किया जाएगा, सजा का प्रावधान भी है और बिजली का कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा अवेयर करें कि कितने का चलान हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम दुकानदार पॉलिथीन देते ही हैं और छोटे दुकानदार ज्यादा देते हैं, तो छोटे बर्गर वगैरह हो गया या कुछ कोई फास्ट फूड उसमें डाल के देते हैं सर। उसी के रिगार्डिंग हम सबको दुकानदार छोटे या बड़े जो भी हैं सभी को अवेयर किया जा रहा है और चलान की कार्रवाई 5,000 रूपये से स्टार्ट है, उससे ऊपर जितना माल पकड़ा जाता है उसके अकॉर्डिंग अधिक से अधिक चलान किया जाएगा। ठीक है, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।